विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में ले लिया गया है, जहां वो एक होटल में रुकी हुई थी। मैम अपने क्यों थ्रेटन किया था मामस को? शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीन टीमें मनोरमा को लेकर पुणे आ रही हैं। विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर के खिलाफ भूमि विवाद मामले में केस दर्ज कराया गया था। पुणे पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी और इसके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था। बता दें कि बीते दिनों विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक जमीन विवाद को लेकर हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही थी। इस दौरान पुणे में मेट्रो रेल निर्माण मजदूरों के साथ कथित तौर पर बहस करने का एक वायरल वीडियो सामने आया था। कुछ दिनों पहले भी पूजा खेटकर की मां का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पिस्तौल लेकर लोगों को धमका रही थी। मनोरमा खेटकर द्वारा बंदूक लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने बीते सप्ताह कहा था कि मामले की जांच की जाएगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आईएएस पूजा की मां मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में आईएएस पूजा की मां मनोरमा के अलावा पूजा खेटकर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सबूत मिले हैं कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान आय से अधिक संपत्ति दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि इसके संकेत मिले हैं कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। आईएएस पूजा के पिता साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएस पूजा की मां मनोरमा का फोन बंद था, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रही थी। पुलिस इस दौरान बानेर स्थित उनके बंगले पर भी पहुंची और वीडियो रिकॉर्ड किया, जहां अधिकारियों को कोई नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि मनोरमा और दिलीप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पूजा के परिवार की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज ऑन हर वे और अब हम उनसे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। हालात में काफी दिन से आप लोग ढूंढ रहे थे कि जी मिली वहां पे एक होटल में वो पाई गई है और हमने उनको इंक्वायरी के लिए हमारे साथ हमारी टीम उनको लेकर आ रही है। अभी डिटेन ही है जी। जी सर, किस तरह की आगे की क्या प्रोसीजर होंगे उनको पुलिस स्टेशन? जो भी लीगल एक्शन होगी उनके ऊपर। बता दें कि एक तरफ जहां ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूजा खेटकर के खिलाफ भी जांच जारी है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। अगर वो दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें सेवा से भी बर्खास्त किया जा सकता है। यही नहीं, अगर उनकी तरफ से तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है या फर्जीवाड़ा किया गया है तो उन्हें आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। साल 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर फिलहाल अपने गृह कैडर महाराष्ट्र में तैनात हैं। पूजा खेटकर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए ओबीसी कोटे और शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के लाभों का गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।